वेलकम टू नाइन अल्टीमेट आज हम लोग यहाँ पे विश्व खुशहाली सूचकांक पढ़ेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि भारत का जो है इस बार 139 यानी कि एक सौ रैंक आया है एक देशों में तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आइए देखते हैं सबसे पहले देखो एक देशों में जो है भारत का जो है नंबर इस बार एक आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट दो में और एक साल में एक बार निकलता है और एक साल तक आपका जो भी एग्जाम होगा सब में ये काम करेगा अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं तो इसमें हम लोग जो है डिटेल से पढ़ेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक के बारे में विश्व खुशहाली सूचकांक या विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट तो देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इसको जारी कौन करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो देखो अभी हाल ही में एक देशों के लिए जारी किया गया है इसमें भारत एक नंबर पे है भारत का स्कोर की बात किया जाए कई सारे एग्जाम में स्कोर भी पूछ दिया जाता है इतना थ्री पॉइंट एट वन नाइन भारत का स्कोर है ठीक है इसको जारी कौन करता है सबसे पहली बात तो उन्नीस मार्च दो हज़ार इक्कीस को जारी किया गया किसके द्वारा यू एन एस डी एस एन के द्वारा जारी किया गया अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यू एन एस डी एस एन क्या होता है तो देखो इसका फुल फॉर्म है यू एन ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ठीक है ये जारी करता है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को ठीक है ना इसमें क्या सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले जो दस नंबर पे जो देश है उसमें से नौ देश जो है यूरोपीय देश है तो आप लोग देख सकते हैं दस देशों में शीर्ष दस देशों में यूरोप की जो देश है वो नौ देश यूरोपीय देशों ने कब्जा जमा रखा है यदि पहले नंबर की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर फिनलैंड है पहले नंबर पर कौन है फिनलैंड दूसरे नंबर पे डेनमार्क है और तीसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड है भारत के यदि पड़ोसी देशों की बात की जाए तो नेपाल 87 नंबर चीन 84, पाकिस्तान 105, बांग्लादेश 101, श्रीलंका एक और म्यांमार 126। भारत का आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति कितनी ख़राब है एक देखो और ये जो जारी किया जाता है प्रसन्नता रिपोर्ट ये छः बिंदु पर आधारित होता है कि किन किन चीज़ों पर निकाला जाता है विश्व खुशहाली सूचकांक जो है किन चीज़ों के आधार पर निकाला जाता है तो छः बिंदु है जिस जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम के दृष्ट जी कौन से एक दो चीज़ इसमें याद रखना कि अभी भारत का एक रैंक है स्कोर जो है तीन दशमलव आठ एक नौ है और ये यू एन के द्वारा जारी किया जाता है और पहले नंबर पे फिनलैंड है ये याद रखना भारत का नंबर वन थर्टी नाइन है पड़ोसी देशों का एक ए रैंक रहा अब हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वैश्विक खुशहाली की स्थिति का एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है कि पूरे जो देश सब है उसमें क्या खुशहाली की स्थिति है इसलिए निकाला जाता है तो देखो किन चीज़ों पे निकाला जाता है ये तो पहला हो गया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सामाजिक समर्थन जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा स्वतंत्रता यानी कि जीवन से जुड़े विकल्प के बारे में स्वतंत्रता हो गया उदारता और भ्रष्टाचार से जुड़े अनुभव इन छः बिंदुओं पे ये पॉइंट निकाला जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें बस एग्जामों के लिए दो तीन पॉइंट याद रखना कि भारत का नंबर कौन सा है तो एक है जारी कौन करता है तो यू एन एन के द्वारा जारी किया जाता है ठीक है ना पहले नंबर पर कौन सा देश है तो फिनलैंड है इन्हीं सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान रखना और ये करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अब एक साल तक जो भी एग्जाम आएगा इसको देखने के बाद आप लोग यूपीएससी में भी आएगा तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये सब पॉइंट इसमें पूछेगा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो जारी कर इसमें कौन सा बिंदु नहीं है कौन सा है तो ये सब पॉइंट याद रखना जैसे प्रति व्यक्ति सकल घुराल घरेलू उत्पाद हो गया सामाजिक समर्थन जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा स्वतंत्रता उदारता और भ्रष्टाचार से जुड़े अनुभव ये पॉइंट आप लोग याद रखना बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें